जादू टोने के शक में एक व्यक्ति ने अपने घर के पास में रहने वाले सास बहू पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिंगरौली के बरगवां थाना अंतर्गत चिंगी टोला गांव में जादू टोना के शक में दो पड़ोसियों ने ही कुल्हाड़ी से ससुर और बहू पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। पास में रह रहे दूसरे पड़ोसियों की मदद से दोनों घायलों को बनगवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां से हालत गंभीर होने की वजह से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हबीबुल की पुत्री निशा मोहम्मद की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और उनको शक था कि उनकी पड़ोसी ने उस पर जादू टोना किया है। इस कारण निशा के चाचा ने पड़ोसी शेख लल्ला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बहू उसे बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ी तो उसे भी आरोपियों ने मारकर घायल कर दिया है। प्राइमरी रूप से जानकारी में आया थाना बरगवा के ग्राम चिंगी टोला की घटना है, जो ग्रुप में इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है और रिपोर्ट पर हमने संगीन धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। मामला इन्वेस्टिगेशन में इसमें जो जो एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, अपन ने पहले भी इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, मगर ये इस प्रकार का मैटर नहीं है। ये तो एक थोड़ा सा परिवार यानी मोहल्ले का मैटर है, ये इस प्रकार का इसमें एंगल नहीं है। उनकर बिटिया जब से जमान रही मतलब पढ़ाई में ठीक, तो उनके बिटिया की सब जो पंगी सब केहू पंगी, जब शादी हो जाए उनकी बिटिया का तो क्यों ना पानी। हाँ, तो एक से लेडीज की आउट करें तो वो लेडीज तो जब अर्जेंट बात तो नहीं मारे कुछ पा रहे हैं। हमारा की हमारे घर है घुसुर ना हमारे की मारे ना हमारे की पटक का तीन टोकारी चढ़ा देना। घर में है सर छह लेडीज और छह आदमी है, 12-13 आदमी कैसे आसपास मारे ना हमारे अम्मा की मारे हैं। अम्मा की मारे तक कम मारे ना, हाथे छापड़े मारे हैं ठीक है, हाथ छापड़ में मारे हमारे पिताजी की मारे हैं, भाभी की मारे हैं, हमारे भैया घर में लुका गए ना भैया। आज सर हम नैहरे में रहे, हमारा आदमी छोड़ दे टिंगी टोला का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।